जब इसे हम एक मुट्ठी में भरते हैं बिल्कुल बिखर जाता है, बहुत लूज सॉइल। बेसिकली इसका जो मेन कंसेप्ट है लूज सॉइल प्रिपेयर करना। वाटर लविंग प्लांट है क्योंकि इसने अपने पत्तियों में अपने जो इसका स्टेम है पूरा पानी से ही भरा हुआ है। मैं तो कहूँ 90% जो प्लांट है पानी का बना हुआ है। ये एक डस्ट है बेसिकली, आप इसको कंकड़ बोल सकते हैं, जो मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए प्लस एरेशन को बढ़ाने के लिए, ये आपका ग्रेवल भी एरेशन बढ़ाएगा प्लस ये मॉइस्चर प्लस एरेशन दोनों को कंट्रोल करेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चला चले, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। दोस्तों काफी अच्छी वीडियो पे रिस्पांस आ रहा है आपका। लास्ट वीडियो नीतीश सर के साथ हमने की थी बॉन्साई के ऊपर, जिसमें सर ने आपको वायरिंग सिखाई थी और उसी में हमने बोला था कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी सॉइल मिक्सचर के ऊपर। तो आखिर कैसे सॉइल मिक्सचर करना है हमारे को, क्या क्या चीज़ें उसमें डलती हैं, तो ये सब हम जानेंगे नीतीश सर से। सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी संदीप जी, देखिए बहुत बहुत थैंक यू, आप अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो फिलहाल जो हमारे पास ये प्लांट है जो हमने लास्ट वीडियो में इसकी वायरिंग एंड स्टाइलिंग किया था एक रेगुलर प्लांट का, तो अब जो मेन नेसेसरी इसका पार्ट है एक अच्छा सॉइल मिक्सचर तैयार करना, फिर उसके बाद इसको रिपोर्ट करना। तो फिलहाल अभी के वीडियो हम देखेंगे कि इसका जो सॉइल मीडिया है, जो सॉइल मिक्सचर हम तैयार करेंगे उसमें कौन से ऐसे कॉम्पोनेंट है और कितनी उनकी क्वांटिटी होना चाहिए जिससे एक बढ़िया आइडियल सॉइल मिक्सचर बन सके इस पर्टिकुलर जेड बॉन्साई के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको आपके व्यूअर्स को दिखाना चाहूंगा कि हम क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो इसमें डालने चाहिए। ठीक है, तो इसका जो सॉइल मिक्सचर तैयार करना काफी जरूरी है मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि हम जो रेगुलर प्लांट नर्सरी से परचेज करते हैं एक जस्ट ऑर्डिनरी गार्डन सॉइल के अंदर लगाया होता है। तो उस सॉइल में अगर आप अपने बॉन्साई पॉट के अंदर डालोगे, हालांकि ये तो बड़ा पॉट है, बहुत बड़ा है, तो इसके अंदर बहुत इजिली ग्रो कर जाता है, लेकिन इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हमारे गार्डन सॉइल मिक्सचर की। इसमें पहले तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स बहुत सारे डले होते हैं जो कि इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑफकोर्स फर्टिलाइजिंग चाहिए होती है बट नॉट ऑर्गेनिक कंपोनेंट के साथ। बेसिकली हमें इसके लिए बिल्कुल वेल ड्रेन्ड सॉइल की जरूरत पड़ती है, ओके, जिससे ज्यादा पानी वो होल्ड ना कर सके। अगर हमारे मिट्टी का ह्यूमस कंटेंट बहुत ज्यादा है तो पानी ज्यादा होल्ड करेगा वो, लेकिन ऐसे कंपोनेंट है जो पानी भी होल्ड करते हैं लेकिन इसको सॉगी नहीं बनाते, इसके सॉइल बिल्कुल गिलगिला मिट्टी ना हो, बिल्कुल एकदम अच्छा एनवायरनमेंट दे, अंदर ह्यूमिडिटी भी बनाए रखें। कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं मार्केट में अवेलेबल है, हम उसको यूज करके एक आइडियल सॉइल मिक्सर बनाएंगे जिससे इसकी ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है। इसके सॉइल मिक्सर में नमी होनी चाहिए लेकिन वैसे नहीं कि पानी से भरा हो, अगर नमी नहीं रहेगा ये बहुत ही ज्यादा वाटर लविंग प्लांट है क्योंकि इसने अपने पत्तियों में अपने जो इसका स्टेम है पूरा पानी से ही भरा हुआ है। मैं तो कहूँ 90% जो प्लांट है पानी का बना हुआ है, 10% इसके अंदर आपका जो भी मिल पाए जो इसके मतलब क्या बोलते हैं उसको लकड़ी वगैरह हो, लकड़ी तो खैर होता ही नहीं है, रेसे होते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो बहुत मिनिमल होते हैं वो सारी से, बाकी पूरा प्लांट पानी का बना हुआ है। तो पानी की रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी है इसके हेल्दी ग्रोथ के लिए, लेकिन वैसा नहीं जिससे एक दलदली मिट्टी बन जाए, एक ऐसी मिट्टी जो पानी भी होल्ड करे प्लस एक सॉगी मिट्टी ना बनाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं दिखाता हूँ क्या क्या चीजें मैं पर्सनली यूज करता हूँ अपने बॉन्साई को प्रिपेयर करने के लिए। तो संदीप जी, कुछ सॉइल जो मीडिया मैंने आपको बताया वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं आपके व्यूअर्स के लिए, और मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा क्या क्या चीजें हैं जो कि जेड बॉन्साई में ये सारे काम आने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट होगा हमारे गार्डन सॉइल का, ठीक है, इसकी एक परसेंटेज होगी जो हम यूज करेंगे, लगभग 30% के आसपास हम गार्डन सॉइल को ले लेंगे। बाकी जो 20% का हमारा जो हिस्सा होगा इनमें से होगा, जैसे कि हमारा एक परलाइट हो गया और लगभग बहुत मतलब एक मतलब छोटा सा एक कप के बराबर हमने यूज़ कर लिया, इसको नीम की खली बोलते हैं, नीम के एंड एक कप बराबर हम यूज़ कर लेंगे ये वर्मिकुलाइट और एक मतलब दो टेबल स्पून हम यूज़ कर लेंगे बोन मील। तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं और एक जो मेन मटेरियल है हमारे बॉन्साई सॉइल मिक्स के लिए वो ये है, ये एक डस्ट है बेसिकली, आप इसको कंकड़ बोल सकते हैं, जो कि हमारा बिल्डिंग मटेरियल होता है जैसे बालू वगैरह और रेत वगैरह उन समय उनका जो सबसे मोटा पार्टिकल होता है उसको हम छान करके, जो कंकड़ होता है ग्रेवल होता है उसको छान करके हम अपने सॉइल मिक्स में यूज़ करते हैं। तो ये लेके चले लगभग 50% या 50-60% हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं जिससे हमारा सॉइल मिक्सचर जो है काफ़ी अच्छे से ड्रेनेज को मेंटेन रखे और उसकी ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक ना हो। ओके, और ये जो परलाइट हम यूज़ करेंगे थोड़ा बहुत अंदर
मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए, प्लस एरेशन को बढ़ाने के लिए, ये आपका ग्रेवल भी एरेशन बढ़ाएगा, प्लस ये मॉइस्चर प्लस एरेशन दोनों को कंट्रोल करेगा। आपको जो नीम खली है, जो नीम केक है, उसको यूज़ करना है किसी भी टाइप के डिजीज़ को आपके प्लांट को रोकथाम के लिए, तो काफ़ी अच्छा ये होता है, यू नो सॉइल बैक्टीरियल एक्टिविटीज को काफ़ी एनहेंस करता है ये जो मटेरियल रखा हुआ है। प्लस थोड़ा बहुत आपको आपके प्लांट की फॉस्फोरस कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए आपको हड्डियों का खाद यूज़ करना चाहिए, जिससे आपके प्लांट की स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ेगी। एक अच्छा मटेरियल हमारे पास है जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत ही लो क्वांटिटी में, ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, लगभग 10% आप यूज़ करो अपने ओवरऑल सॉइल मिक्सर के अंदर, जो कि है वर्मिकुलाइट, परलाइट एंड वर्मिकुलाइट। ओके, परलाइट आपको 10% एंड देन वर्मिकुलाइट आपको यूज़ करना चाहिए 10% दोनों का, ठीक है। उसके बाद ये जो मेन इसका फंक्शन है आपके वर्मिकुलाइट का, आपके प्लांट के अंदर प्लांट के अंदर पानी को होल्ड करके रखता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होल्ड करता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप ज़्यादा यूज़ ना करें अपने जेड के साथ, बहुत ही कम रखें। प्लस एक चीज़ इसका फ़ायदा और है, जो भी आप न्यूट्रिशन देते हैं, चाहे आप माइक्रो न्यूट्रिशन दें या फिर मैक्रो दें, दोनों जो कोई भी आप देते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ये होल्ड करके रखता है उनके जो मेन बेसिक यू नो सॉल्ट्स होते हैं, उनको होल्ड कर लेता है अपने अंदर और धीरे धीरे रिलीज करता है। तो जो फर्टिलाइज़र होता है उसको लंबे समय तक चलाना है आपके बॉन्साई के अंदर, तो आप इसको ज़रूर यूज़ करें वर्मिकुलाइट को, लेकिन जेड के केस में कम मात्रा में यूज़ करें, क्योंकि ये पानी ज़्यादा होल्ड करके रखता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हम इसको मिक्स करते हैं और देखते हैं कि ये जो कॉम्पोनेंट है कैसे हमें मिक्स करना चाहिए यू नो पॉट के लिए। तो अभी फिलहाल हम प्रिपेयर कर लेते हैं अपने सॉइल मिक्सचर को इस हमारे छोटे से टब के अंदर। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर अपनी जो मिट्टी है गार्डन सॉइल वो हमने डाल लिया है, और फिर उसके बाद ये और थोड़ा सा जो मैंने कंकड़ की बात करी थी, कंकड़ भी ऑफकोर्स पूरी अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है, दो चीज़ें मैंने पहले से मिक्स करके रखा था जिससे ज़्यादा समय ना लगे। थोड़ा सा उसके बाद हम परलाइट यूज़ कर लेंगे, ऑफकोर्स जितना है उसका लगभग 10% होना चाहिए, तो लिटिल बिट बस ये काफ़ी है। उसके बाद वर्मिकुलाइट, इतना वर्मिकुलाइट काफ़ी है हमारे पॉट के लिए। और उसके बाद मैं बात करूं तो 1 से 2 चम्मच 3 चम्मच ये जो इतना हिस्सा है लगभग हम यूज़ कर लेंगे नीम केक का, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है हमारे प्लांट के लिए। उसके बाद हमारे पास जो यूज़ करना है नेक्स्ट बोन मिल। ओके, बोन मिल का जो मैंने बताया था 1 से 2 चम्मच, ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बहुत लिमिटेड यूज़ करना है इसको। थोड़ा सा जरूरत और पड़ेगा हमें इस चीज़ का, जो कि कंकड़ है। देखा आपने जिस तरह हमने इसमें इस्तेमाल किया है, बहुत इसमें जो लिमिटेड रखा हमने और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को, इसमें ज़्यादा हमने गोबर और वर्मी कंपोस्ट जो हम यूज़ करते हैं हमने इसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि वो पानी ज़्यादा होल्ड करते हैं और मिट्टी को थोड़ा सा ब्लॉक कर देते हैं एयरेशन सिस्टम को, तो बहुत जेड के लिए लिमिटेड रखा है जिससे जेड प्लांट कभी ख़राब ना हो। काफ़ी अच्छा सॉइल बन के आएगा, देखिए आप जब इसे हम एक मुट्ठी में भरते हैं बिल्कुल बिखर जाता है, बहुत लूज सॉइल, बेसिकली इसका जो मेन कंसेप्ट है लूज सॉइल प्रिपेयर करना। इसमें न्यूट्रिशन के लिए हमने बाद में या तो हम इसमें इनऑर्गेनिक सॉइल उससे ट्रीट करें इनऑर्गेनिक से, या फिर कुछ और चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊपर से हम डाल सकते हैं गोबर की खाद वगैरह, बहुत माइनर, ज़्यादा नहीं रखना, बहुत लूज सॉइल प्रिपेयर हो चुका है। तो व्यूअर हमने अभी सॉइल जो है प्रिपेयर कर लिया है, जो अभी जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा संदीप जी के साथ, हम प्रिपेयर करेंगे अपने रिपोर्टिंग को, जो हमने बॉन्साई बनाया था उसे रिपोर्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा, प्लस शेयर करूंगा कि कैसे बहुत आसान तरीके से और प्रोफेशनली कैसे एक बॉन्साई को रिपोर्ट करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, वायरिंग हो गई है, सॉइल मिक्सर भी तैयार हो गया है, सर नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है? देखिए संदीप जी, अब अगला स्टेप मैंने बता दिया, जो अभी हमारा स्टेप होने वाला है इसको इस पॉट्स से निकाल करके एक बहुत ही खूबसूरत बॉन्साई पॉट के अंदर रिपोर्ट करना। हमने मिट्टी तैयार कर लिया, अब मेन है इसका रिपोर्ट करना, जो कि बहुत इजी मेथड है, तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कैसे उसको रिपोर्ट करते हैं। कैसे करते हैं? मेन होता है कि इसके लिए एक सूटेबल बॉन्साई पॉट का सही सिलेक्शन, सही यू नो चयन जो होता है एस पर बॉन्साई सिलेक्शन कैसा रहेगा? जी देखिए डिपेंड करता है बॉन्साई के हाइट और उसके थिकनेस और उसके फॉलेज के ऊपर, उसी के हिसाब से हम इसको इवन स्टाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस टाइप के बॉन्साई इस पर ज्यादा सूट करे, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे। तो ये सभी चीजें सर आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे,
जो कि बहुत जल्द हमारे चैनल पे आपको 2 से 3 दिन में ही मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल चलो या चले वो अभी नीचे रेड कलर के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ ही मैंने बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। ये सीरीज चलती है और चलती रहेगी, काफ़ी सारी वीडियोज़ आने वाली है सर की हमारे चैनल पे। सर को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं, तो वहाँ भी हमें ज़रूर फॉलो करें। मिलता है ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।